नमस्ते शबा खैर। आज हम सीखेंगे बिल्कुल अपने सिंपल और रोथू थोड़ू छोलों को एकदम चटपटा और जायकेदार बनाना, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। हेलो दोस्तों, छोले बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 200 ग्राम छोले, ये काबुली चना है, इसको सफ़ेद छोले भी बोला जाता है, एक प्याज, 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, एक हरी मिर्च, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, कटा हुआ हरा धनिया, और अपनी मसाला चम्मच से लेंगे हम कुछ मसाले। जैसे मैंने लिया है 1/4 मसाला चम्मच रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, 1/2 मसाला चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और जीरा, और चुटकी भर लिए हींग, 2 तेज पत्ता अपने तड़के के लिए, और कश्मीरी लाल मिर्च जिससे हमारे छोले में टेस्ट हमारा इन्हेंस होता है। छोलों को टेस्टी बनाने के लिए मैंने कुछ और मसाले भी लिए आए हैं, जैसे 2 स्पून छोले मसाला या चना मसाला, कुछ खड़े मसाले जैसे बड़ी काली इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, थोड़ा सा सोडा अपने छोले के लिए 1/4 मसाला चम्मच, और भुना हुआ जीरा पाउडर। पानी लिया अपने छोलों को उबालने के लिए, ये 400 ml पानी है, सरसों का तेल, और ये लिए मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती, जिससे हम अपने छोलों को रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो उसके कलर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने ये छोलों को रात भर भिगो कर रख दिया था, आप रात भर भिगो कर रख सकते हैं या 8 से 10 घंटे के लिए। अगर आप जल्दी बना रहे हैं तो आप 2 से 2.5 घंटे हल्के गुनगुने पानी में अपने चनों को भिगो कर रख दें। अब हम पहले अपना चाय पत्ती का पानी बनने रख देते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, और इसमें हम 1/2 या 100 ml पानी रख देंगे। मैंने कुकर रख दिया है, इसमें हम सबसे पहले अपने छोलों को उबालने रखते हैं। इसमें हम डालेंगे हमारा 1/2 नमक और 1/2 ही हमारा हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारी चाय पत्ती का पानी बन गया है, हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और इसमें डालेंगे हम ये 1/4 मसाला चम्मच सोडा। एक पोटली बनाएंगे जिसमें हम अपने कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पोटली नहीं है तो आप किसी भी कॉटन के हैंकी को ले सकते हैं, बस उसमें से कलर नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने ये 2 तेज पत्ता को डायरेक्ट डाल दिया है, और इस पोटली में अपने खड़े मसालों को डाल दिया है अच्छे से। अब हमारा जो रिमेनिंग पानी है वो हम इसमें डाल देंगे, और अभी हम अपनी चाय पत्ती का पानी भी देखिए, एकदम से ही चाय पत्ती का पानी डालने से कलर एकदम चेंज हो गया है हमारे छोलों का। अब हम इनको इसमें हम एक डालेंगे 1 टीस्पून सरसों का तेल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल, और अपने कुकर को बंद कर देते हैं। हमें 6 से 7 सीटी लगानी है अपने छोलों को बनाने के लिए, 3 फुल फ्लेम पर और 3 से 4 लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब तक हमारे छोले तैयार हो रहे हैं तब तक मैंने अपनी टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है, हरी मिर्च और प्याज के पेस्ट को भी तैयार कर लिया है, अदरक को छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब देखिए हमारी सीटी निकल गई है और अच्छे से हमारे चने पक गए। अब हम अपनी इस पोटली को साइड में निकाल कर रख देंगे, और हल्का सा आप अपने चनों को मैश कर लें। और मैंने अब कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। इसमें मैंने जीरा, हींग और अपनी प्याज के पेस्ट को मिला दिया है। आप ध्यान रखें आप फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम ही रखें ताकि आपके मसाले जले नहीं। और देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसके बाद मैंने अपने टमाटर के पेस्ट को मिला दिया, अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप देखेंगे 5 से 7 मिनट बाद सेपरेट होने लगा है हमारा ऑयल, और कितना अच्छा कलर भी आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बचा हुआ नमक, और अच्छे से, और अपने चना मसाला को भी हम इसी वक्त डालेंगे ताकि अच्छे से हमारा मसाला पक जाए। और देखिए
हमारे फ्लेवर कितना अच्छा आ रहा है, अरोमा भी बहुत अच्छी है इसमें। अब हम मिला देंगे हमारे चनों को, अच्छे से मिला देते हैं। चने उबालते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि छोले या चने ठंडे होने के बाद थोड़े थिक हो जाते हैं, इसलिए आप पानी का रेशो थोड़ा ज़्यादा रखें। अगर आपने 200 ग्राम छोले लिया है तो आप 400 ग्राम पानी का इस्तेमाल करें। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे ब्लैक सॉल्ट, ये आप छोले बनने के बाद मिलाएं तो इससे हमारा टेस्ट इन्हेंस होगा। बचा हुआ हमारा चना मसाला या छोले मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए अपने छोलों को हम और पकने देंगे, ताकि हमारा सारा मसालों का फ्लेवर एकदम अच्छे से आ जाए। और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, हमारे छोले बिल्कुल तैयार हैं। कटे हुआ हरा धनिया डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए। देखिए मेरे छोले एकदम गरम गरम तैयार हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी खाएं और हमें अपने रिव्यू शेयर करें। मैंने आपको बनाना सिखाया है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में छोले बनाना, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धार्मिक घंटा जरूर बजाएं। धन्यवाद।